दोस्तों, क्या आपकी गुलाब की कटिंग ग्रो नहीं हो पा रही है? कैसी स्टैम्प लेनी है? कितनी बड़ी स्टैम्प लेनी है? कौन सा सोयल मीडिया हमें लेना है? कितना वाटर हमें देना है? कटिंग लगाने के बाद हमें किस जगह पे रखना है? कैसा टेम्परेचर देना है ताकि कटिंग हमारी 100% हमें रिज़ल्ट दे बगैर किसी रूटिंग हार्मोन के? जी दोस्तों, बगैर किसी रूटिंग हार्मोन के भी आप सक्सेसफुल रिज़ल्ट पाना चाहते हैं कुछ इस एक से, तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखें। आपको एक स्टैम्प के अंदर 6 से 7 शूट्स मिलेंगी और सक्सेसफुल आपकी कटिंग ग्रो हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ इसमें बताई हुई है किस मंथ में ग्रो करना है, फाइनल रिज़ल्ट हमें कैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुलाब की कटिंग के ऊपर। दोस्तों, गुलाब हम सबको पसंद होता है और हम सब अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। गुलाब कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और इनको जो लगाने का टाइम पीरियड है वो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इस मंथ में बहुत ईजीली लग जाता है और आप कटिंग जो लें वो आपको 4 से 5 इंच इस तरीके से कटिंग लेनी है। अपनी एज ए हाथ की हेल्प से भी आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं। कटिंग कट करने के बाद आपको इनमें एक ध्यान देना होता है कि आपकी जो कटिंग है वो तिरछी होनी चाहिए। तिरछा कट जब आप लगाते हैं तो उसमें जो रूट्स है वो बहुत ही ईजिली डिवलप हो जाती है और यहाँ पे तेज़ी से रूट सिस्टम होता है। अब हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर के नीचे होल करने हैं आपको ताकि जो वाटर वगैरह है वो इजीली ड्रेनेज हो सके। इसमें हम सैंड यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं ये है कोकोपीट की नेट, जिससे जो हमारी सैंड है रिवर सैंड वो इन होल्स के ज़रिए बाहर ना जा सके। ये है हमारी रिवर सैंड। दोस्तों, इसके अंदर कटिंग मोस्ट ऑफ द केस बहुत ही इजीली लग जाती है। आपके पास रिवर सैंड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोकोपीट में भी कटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सैंड फिलअप कर ली है और अब हमें यहाँ पे अच्छे से वाटरिंग कर लेनी है। वाटर सूखने के बाद फिर आप अपनी कटिंग इसमें ईजिली लगा सकते हैं। दोस्तों, कटिंग हमने जो ली है इसमें कोई भी हम किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन पाउडर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको बस कटिंग स्टिक से टेप कर देनी है बस। कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक बार लगा दें इस मंथ में तो ईजिली लग जाती है। दोस्तों, अगेन हम वाटरिंग कर लेंगे। वाटर करने से जो भी हमारी कटिंग है उसे मॉइस्चर अच्छे से मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने से जो हमारी कटिंग्स है वो ईज़िली डेवलप हो जाती है और हमें इसे 20 से 25 दिन तक पानी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सर्दियों के अंदर आप विंटर जो सीज़न होता है उसमें प्रोसेस करेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल रिज़ल्ट आपको देगी। यहाँ पे हम प्लास्टिक को अच्छे से टाइट कर लेंगे। एयर टाइट करने से हवा अंदर नहीं जाएगी और उसमें हीट जनरेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी कटिंग हमारी बेस्ट रिज़ल्ट हमें देगी। तो देखते हैं कुछ दिन के बाद का रिज़ल्ट। तो दोस्तों, 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। हमारी कटिंग कितनी ग्रो हुई है, कितनी डेड हुई है वो आपके सामने रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है ऑलमोस्ट सब की सब ग्रो हो चुकी है। तो इस वे को अगर आप यूज़ करते हैं
तो आपकी जो कटिंग है वो 100% ग्रो हो जाती है। यहाँ पे आप देखें, जो हमने पतली स्टेम्स ली थी उनमें बहुत सारी शूट्स निकल के आई है। एक स्टेम में 5 से 6 शूट्स निकल के आई है। जो हमारी मोटी स्टेम हमने जो ली हुई थी उनमें भी शूट्स निकल के आई है, बट उनमें सिर्फ 2 या 3। तो आप पतली स्टेम इस तरीके से लें, आपकी ईज़िली कटिंग लग जाएगी और आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस मंथ में कटिंग लगानी है। 20 से 25 दिन तक आपको सेमी शेड में रखना है, कोई भी वाटर वगैरह नहीं देना है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको एक वाटर करना है और 20 से 25 दिन के बाद वाटर करना है। तो 10 दिन के बाद हमने सिर्फ देखा और अगेन हम कवर कर देंगे प्लास्टिक को। प्लास्टिक हमें 30 से 35 दिन तक कवर करके रखना है। वेलकम टू बैक फ्रेंड। 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट हम देखने जा रहे हैं, क्या रिज़ल्ट है। अभी भी मॉइस्चर इसमें भरा हुआ है, हमें पानी देने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी 20 दिन के बाद की कटिंग, तो ऑसम रिज़ल्ट हमें मिला है। दोस्तों आप भी इस एक से ग्रो करें, इस स्टेप को फॉलो करें। कुछ भी हमने नहीं किया हुआ है और कटिंग हमारी देखें कितनी अच्छे से डेवलप हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस एक से लगाएंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। पैंतालीस दिन के बाद इनमें टोटली रूट सिस्टम आ जाएगा और हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तब तक आपको निकाल के चेकआउट नहीं करनी है, इसे मूवमेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपकी कटिंग डेड हो जाएगी। आपको वेट करना है 45 दिन तक और 30 दिन तक कवर करके रखना है। 30 दिन के बाद कवर आपको होल 2 करने हैं जिससे एयर जो है हवा क्रॉस हो सके। और धीरे 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 आपको 1 से 4-5 दिन के अंदर कवर को भी हटा देना है। 30-35 दिन हो जाएंगे और फिर 10 दिन आपको और रखना होगा जैसे आपके प्लांट मैच्योर हो जाएंगे और फिर आप अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एक से पूरा का पूरा A to Z आपके सामने रिज़ल्ट है। आप भी ट्राई करें, गुलाब की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। गुलाब इजीली लग जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और 20 दिन के बाद अगेन हम कवर कर देंगे, फिर देखेंगे 30 दिन के बाद वाटर की नीड होगी तो हम 30 दिन के बाद वाटर करेंगे। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।